तो दोस्तों नमस्कार, मैं बजरंग मिश्रा आज एक बार फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। एल्डिको के पुरानी टाउनशिप है, एल्डिको इम्पीरिया के नाम से, वहाँ पे खड़ा हूँ। और ये लोकेशन इसकी जो है वो है सिसंडी रोड। ठीक है, मेरे राइट हैंड पे जो रोड जा रही है वो रोड जाती है बिजनौर को, और मेरे लेफ्ट साइड में जो रोड जाती है वो जाती है बनी बंथरा को, और आगे जाके रायबरेली रोड को भी कनेक्ट करती है रोड पे। तो आज हम लोग खड़े हैं एल्डिको इम्पीरिया पे, और इसका फेस वन आज के 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया था। तो पहले बेसिक जानकारी हम इसकी जान लेते हैं, नियरेस्ट इसके क्या क्या है और क्या क्या नहीं है आज की डेट में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि नो डाउट प्रोजेक्ट शहर से दूर है, पर आज की डेट में दूर है, आने वाले 4 साल में दूर नहीं रह जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास जो हमको देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझेंगे। जैसे कि हम एक छोटी सी बात बताते हैं, जब शहीद पथ बना था तो शहर के आसपास कुछ नहीं था, उस शहीद पथ के आसपास। सेम वही चीज़ है कि अभी जो हमारा आउटर रिंग रोड बना है, इसके आसपास अगर इस 160 किलोमीटर के दायरे की बात करें जिस पे आउटर रिंग रोड बना है, तो ये पहला डेवलपमेंट है इस आउटर रिंग रोड पे, जो एल्डिको और जैसी कंपनियों ने बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट यहाँ लाने की सोच रहे हैं, या तो ले आए हैं। अब जैसे हम यहाँ नाम ले लेते हैं कि अलकनंदा वालों का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लाला जुगल किशोर ने वास्तु लॉन्च किया है जिसको 2-3 साल में प्रोजेक्ट को जो है डिलीवर्ड करेंगे। सेज सिटी है ना, वो भी जो है ऑलमोस्ट जो है पॉजिशन मोड में आ गया है, और उसमें भी जो ना लोग अपना घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अभी ये जो आउटर रिंग रोड है, फोकस इसी आउटर रिंग रोड पर सारे डेवलपर्स कर रहे हैं, और शहर को, या हम लोग कहते हैं इसको किसान पथ या आउटर रिंग रोड, बट हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि लखनऊ की ये जीवनदायिनी रेखा है, रोड है ना। हम लोग इसको कहते हैं लखनऊ की ये जीवनदायिनी रेखा रोड है, कि अगर ये बनी नहीं होती तो शायद लखनऊ सिमट गया होता। तो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में जो फेस वन में लॉन्च हुआ था वो टोटल विलाज लॉन्च हुए थे, और उसमें साइजेस जो है डिफरेंट के थे, और चूंकि ये शहर से दूर था, प्लॉट लाना बेवकूफ़ी ही थी उस समय अगर सोचा जाए तो, क्योंकि अगर प्लॉट ले लेते इन्वेस्टर आ जाते तो शायद टाउनशिप ये डेवलप कर ना पाती। तो इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसमें जो है प्लॉट लाने ही नहीं है, मुझे विला ही लाने हैं। तो विला में क्या है, विला में आदमी अगर विला लेता है ना, तो या खुद रह ले या तो किराए पर उठा देगा एट द टाइम ऑफ पजेशन। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट जो है 192 विलाज जो थे वो करीब करीब बन के तैयार हो गए हैं, और उसमें जो है उसका पजेशन जो है हम नेक्स्ट ईयर होपफुली की देना शुरू कर देंगे। तो ये हम लोग अभी खड़े थे मेन एंट्रेंस गेट पे एल्डिको इम्पीरिया के। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं कि विला जो इन्होंने सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स बनाए हैं वो कैसा बना है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, और इसी में ये बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट जो था उसको कह लें हम फेज टू, जिसमें प्लॉट और विला दोनों मिक्स होके आने थे, वो भी आ गया, उसका रेरा नंबर आ गया है, लेआउट अप्रूव्ड हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हफ्ते भर के अंदर लॉन्च हो जाना चाहिए। तो ये हम अंदर चल के ही देखते हैं कि फेज वन में क्या दिया जा रहा है, क्या डिलीवर्ड किया जा रहा है हमको कस्टमर्स को, और फेज टू में क्या क्या चीज़ें और हमको मिलने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट जो है फेस वन जो सबसे पहले लॉन्च किया था कंपनी ने, वो लॉन्च किया था 2 साल पहले, जो करीब करीब 17 एकड़ का प्रोजेक्ट था, और इसमें 192 विलाज ही थे, कोई प्लॉट का ऑप्शन नहीं था, सिर्फ 192 विलाज थे, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स, और काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। जो फेस वन के सारे प्रॉपर्टी थी वो इस साल के लास्ट तक या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में पजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस 30.5 एकड़ में फेज टू आया है, और इसमें करीब करीब 477 यूनिट टोटल थी, जिसमें अभी लॉन्चिंग में 355 यूनिट के आसपास लॉन्च हुई है। प्लॉट और विला दोनों प्लॉट साइजेस इस बार मिल रहे हैं इसमें, बट प्लॉट की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है, प्लॉट सारा जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, और विला की अवेलेबिलिटी अभी आपको मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं फिर साइजेस की। साइजेस इसमें जो हैं वो प्लॉट साइजेस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 945, 1055, 1211, 1378, 1744 और 2045 स्क्वायर फीट के साइजेस के प्लॉट, और इन्हीं साइजेस प्लॉट पे आपको विलाज मिलेंगे सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में जो है आपको 1 बेडरूम सेट नीचे बना के दिया जा रहा है, डुप्लेक्स में आपको 2 बेडरूम बना के दिया जा रहा है, 1 बेडरूम नीचे और
वन बेडरूम ऊपर बिल्कुल सेम डिजाइन पे बन रहा है, जैसा फेस वन का डिजाइन है वैसे ही फेस टू का भी डिजाइन है। और अब हम इसकी बात करते हैं प्राइजिंग की, तो इसकी प्राइजिंग विला की अगर होती है तो स्टार्ट 65 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 1,50,00,000 रुपए तक की इसकी प्राइजिंग जाती है, जो 2,045 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे डुप्लेक्स बना हुआ है उसकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास जा रही है। जैसा कि सारे प्रोजेक्टों में 3-3.5 साल में पोजीशन दिया जा रहा है, ऐसे ही आपको 3-3.5 साल में इसका पोजीशन ऑफर्ड किया जाएगा। लोन की अगर हम बात करें तो सारे बैंक से ऑलमोस्ट करीब करीब सारे नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक से टाउनशिप अप्रूव्ड है, किसी भी बैंक से लोन आप प्लॉट लें या विला लें सब पे अवेलेबिलिटी है लोन लेने की। एमिनिटी की बात करें तो चूंकि फेस वन ऑलरेडी सोल्ड आउट है और उसका पोजीशन मोड आ चुका है, तो सारी एमिनिटीज जो है वो इस साल के लास्ट तक या अगले साल पोजीशन के पहले सारी एमिनिटीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। और अब हम इसकी बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन इस प्रोजेक्ट की जो है वो है बिजनौर सिसेंडी रोड कहलाती है, आगे जाकर के मोहनलालगंज को कनेक्ट करती है और ई एक्सप्रेस वे को भी कनेक्ट करती है। और रायबरेली रोड जो मोहनलालगंज के थ्रू आते हैं हम, तो करीब करीब 8 किलोमीटर पड़ेगी। और कानपुर रोड अगर हम ई एक्सप्रेस वे से आते हैं तो करीब करीब जो है 7.5 किलोमीटर की दूरी पे वो आ रहा है ई एक्सप्रेस वे। रिहाइश आसपास की बात करें तो एल्डको शौर्या इनके एल्डको वालों की थी, वहाँ पे ठीक ठाक रिहाइश हो गई है। अलकनंदा जो है ना इनक्लेव है, वहाँ पे करीब करीब 150 से 200 फैमिलियाँ रह रही हैं करंट टाइम में। से सिटी में भी काम शुरू हो गया है, पोजेशन ऑफर्ड हो गए हैं तो लोग वहाँ भी घर बनाना शुरू कर दिए हैं और आने वाले 2-3 साल में ठीक ठाक रिहाइश वहाँ पे हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। प्रोजेक्ट जो प्लॉट आया था वो 4,500 रुपया स्क्वायर फीट का आया था रेट का, इंक्लूडिंग हॉल था ये। और विला जो आए हैं वो भी हाँ बिल्कुल महंगे हैं, दोनों ही महंगे हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अगर जो करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करने लायक ये प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर का प्रोजेक्ट है, जिसको प्लॉट लेना है या विला लेना है और 5 साल बाद वहां पे या 4 साल बाद वहां जाके रह लेना है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट जो है ना अच्छा है। और आज नहीं तो 3 साल बाद वो अच्छा लोकेशन बनेगा और अच्छी टाउनशिप बन के आएगी, जो मतलब आज के 3 साल बाद उस समय भी आपको सस्ती लगने लगेगी। तो हमने सारी डिटेलिंग आप लोगों के साथ बात कर ली और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा और चलते चलते एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी जो भाई बंधु हमारे हैं, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे हम अगली कोई वीडियो लेके आएँ तो आप तक सबसे पहले अपडेट हो जाए और हमारा भी जो है वो मनोबल बना रहे कि हम अच्छी अच्छी वीडियो और कुछ प्रयास करके नए नए है ना प्रोजेक्ट को ढूंढ के आपके पास लाते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।